हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। टुडे वी विल डिस्कस ए न्यू करंट अफेयर सेशन। मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आज के करंट अफेयर सेशन में। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कवर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट होता है ना उसको पूरे को कवर कर रहा हूँ। जो कि फाइव मेरे तरफ से फाइव जानो, लेकिन उसके बारे में डिटेल से जानना चाहिए। सो हम वो पूरे क्वेश्चन आज डिस्कशन करेंगे एंड ऑल्सो उसको रिविजन भी कराऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज का विचार क्या है, टुडेज थॉट इज, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड, ये तो बहुत आसान सा लैंग्वेज में लिखा है। जो अपने कदम की काबिलियत पर भरोसा रखते हैं, इट मीन्स जो कि अपने स्ट्रैटेजी के ऊपर भरोसा रखता है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ या मैं उधर जा सकता हूँ या मैं चीज़ क्लियर कर सकता हूँ, तो वही अक्सर मंजिल पर पहुँचते। तो वो उधर पहुँच सकते हैं, लेकिन द मेन रीज़न और एक्चुअली इसका थीम क्या है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं तो अपना स्ट्रैटेजी पर हम कैसे कर सकते हैं, वी हैव टू वेल ट्रेंड। अगर हम वेल ट्रेंड नहीं होंगे तभी जाके ये नहीं कर सकते। तो हमको सेल्फ कॉन्फिडेंस उसलिए बढ़ाना चाहिए, और सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर हमारा बढ़ेगा तो फिर भी हमको ट्रेंड हो गए तभी तो जाके बढ़ेगा ना, उसलिए हम काबिलियत बनना चाहिए उस मंजिल में पहुँचने में। सो टूडेज थॉट इज लाइक दिस, लेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर फुगाकू इज रेडी फॉर यूज बाय हुज कंट्री। दुनिया का सबसे जो पावरफुल सुपर कंप्यूटर है फुगाकू है, कौन सा देश उसको यूज करने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, जापान। जापान इज रेडी टू यूज दी सुपर कंप्यूटर फुगाकू। सो जानते हैं क्या है ये सुपर कंप्यूटर क्या है और ये फुगाकू क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो अभी हमारा जो एक इंटरनेशनली सर्वे हुआ था जिसमें कि जापान का जो सबसे टॉप था आउट ऑफ 500 सुपर कंप्यूटर्स, जापान वॉज द फर्स्ट कंट्री, जापान इज़ द फर्स्ट कंट्री जिसका नाम है फुगाकू है इसका नाम। और इसमें इंडिया का कितना नंबर था, इंडिया का नंबर था 63 नंबर में इंडिया था। और हमारे इंडिया का जो 63 नंबर में था उसका नाम क्या है, परम सिद्धि। इंडिया सुपर कंप्यूटर नेम इज परम सिद्धि, 63 नंबर में इसका जो प्लेस है। तो हम अभी जानते हैं सुपर कंप्यूटर क्या होता है और व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटेशनल साइंस। कंप्यूटेशनल साइंस में सबसे मेन रोल प्ले करते हैं, इंक्लूडिंग क्वांटम मैकेनिक्स हमको पता है, वेदर फोरकास्टिंग जो बोलते हैं अभी स्टॉर्म्स आ रहा है, ये जो भी आता है मतलब जो चीज़ विथआउट सेंस जो हम मतलब कभी सोच ही नहीं सकते वो चीज़ को, या कहीं पे बाढ़ आने वाला है एक महीने पहले कैसे पता चलता है वो चीज़, हम तो समुद्र के अंदर जाके नहीं देखते थ्रू सेटेलाइट्स। तो वो चीज़ को कौन कैच करता है, सुपर कंप्यूटर। क्लाइमेट रिसर्च, ये 4 महीने के बाद क्या होगा, अभी कितना टेम्परेचर चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है। ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन, अभी ज़मीन के नीचे क्या है, या एक पहाड़ी है और उसके नीचे भी अगर होगा या समुंदर के अंदर भी होगा ऑयल और गैस, तो उसका रिसर्च में भी। मॉलिक्यूलर मॉडलिंग मतलब साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप, साइज, वेट, दीज आर द मतलब हम सोच से बाहर है जो चीज़ उसका। एंड फिजिकल सिमुलेशन मतलब क्या है, साइमुलेशंस मीन्स द ईयरली मूवमेंट ऑफ यूनिवर्स, अर्थ, एरोप्लेन, स्पेसक्राफ्ट, एरोडायनामिक्स एंड द डेटोनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड न्यूक्लियर फ्यूजन हमको पता है, लेकिन हम वो चीज़ कभी देख नहीं सकते उसके बारे में, उसका गतिविधियाँ के बारे में, न्यूक्लियर वेपन्स। और सबसे मेन चीज़ है मोमेंट ऑफ यूनिवर्स, वो क्या है, हम जो अभी देखते ग्लोब घूमता है वो तो भाई रियल चीज़ है, कोई दिखाया है तो क्योंकि वो चीज़ रियल है उसलिए दिखाया है वो। तो ये सब चीज़ में क्या काम आता है, सुपर कंप्यूटर्स, दीज आर ओनली हैंडल्ड बाय द साइंटिस्ट। अभी देखते इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 8000, ये सबसे याद रखना चीज़ है परम 8000 फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, ये हो गया इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। और
नॉर्मल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर डिफरेंस क्या है? नॉर्मल कंप्यूटर हमारा किस में चलता है? नॉर्मल कंप्यूटर बहुत मतलब जो बोलते हैं जीबी मीबी जीबी टीबी इसमें चलता है, एमबी जीबी टी में, लेकिन वो फ्लॉप्स में चलता है। ओके, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, मतलब जो कि सोचा और वो नंबर ऑफ जो डाटा को, नंबर ऑफ थिंग्स को विद इन सेकेंड में नंबर ऑफ थिंग्स को विद इन सेकेंड में वो प्रोड्यूस करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली अर्जुन ट्रिब्यूटरी प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन व्हिच रिवर? अर्जुन ट्रिब्यूटरी प्रोजेक्ट, अर्जुन ट्रिब्यूटरी मतलब आपको समझ में आ गया कि एक कोई नदी बंद या डैम का प्रोजेक्ट होगा। कंस्ट्रक्टेड ऑन व्हिच रिवर? ये है धसन रिवर। धसन नदी मध्य भारत के बहने वाली बेतवा या सहायक नदी है जो कि इससे बाएं से आकर जुड़ती है। यह नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से साथ मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। ये मैं बोल दिया, आई विल एक्सप्लेन दैट। लंबाई क्या है? 365 किलोमीटर। सर मुहाना बेतवा रिवर। देखो अभी क्या है ये गाइस, ये एक्चुअली हमारा गंगा है, गंगा का ट्रिब्यूटरी रिवर क्या बोलते हैं? यमुना। यमुना से फिर एक नदी निकलता है और उसका फिर ट्रिब्यूटरी रिवर होता है हमारा, क्या है? अर्जुन रिवर। तो अर्जुन रिवर कहाँ का है ये देखना, रायसेन जिले से निकलती है, रायसेन जिले से निकलता है, उत्तर ललितपुर जिले के साथ मध्य प्रदेश की वो करते हैं। तो ये हो गया ऐसे, मतलब ये अगर मध्य प्रदेश हो गया हमारा यमुना रिवर, तो ये इधर से निकल के फ्लोस टुवर्ड्स यूपी। ओके, तो धसन रिवर का ये प्रोजेक्ट है, अर्जुन ट्रिब्यूटरी प्रोजेक्ट है। धसन रिवर के ऊपर ये अभी इसका प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इसका प्रोजेक्ट के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। व्हाट्स अबाउट दिस अर्जुन सहायक योजना? तो इसका प्रोजेक्ट जो है कितना, 2600 करोड़ का है प्रोजेक्ट, सबसे मेन चीज़ है। और कितना जगह में ये प्रोवाइड करेगा अपना, 1500 हेक्टर एरिया। ओके, 1500 हेक्टर एरिया में ये अपना फैसिलेशन प्रोवाइड करेगा। और हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या, मतलब हमको जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया ये, कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ये, और अप्रोक्सीमेटली ये हो गया 170, एग्जैक्टली 168, अप्रोक्सीमेटली 170 हमारा विलेजेस में, और 1.5 लाख किसानों मतलब जो फार्मर्स होते उन सुविधा को प्राप्त करेंगे, मतलब सुविधा की हासिल कर सकते हैं, जिसमें कि मतलब वो ये प्रदान करेगा ये फैसिलिटी उसको। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ये प्योर वाटर भी हमको, मतलब जो चीज़ हम पी सकते हैं, मतलब इतना शुद्ध विशुद्ध पानीय जल जो है वो 4 लाख लोगों को प्रोवाइड करने वाला है ये प्रोजेक्ट। तो इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, दिस इज अर्जुन ट्रिब्यूटरी प्रोजेक्ट। रिसेंटली हु हैज बीन रीइलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ IOC? IOC मीन्स इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। ओके, IOC, द आंसर इज ऑप्शन ए थॉमस बक। थॉमस बक हैज बीन रीइलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ IOC। ओके, थॉमस वाट्स, ये अभी देखते थॉमस वाट्स कौन है। और तो इन्होंने पहले थे, अभी फर्दर ही हैज़ इलेक्टेड एज द, मतलब रीइलेक्ट हुए कि ओलंपिक्स का प्रेसिडेंट बनेंगे। ये ग्रेग बार्कले कौन होते ये देखते, न्यूजीलैंड के है ये, किसका प्रेसिडेंट है? आई थिंक यू ऑल नो ICC। ICC क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। इस्टेब्लिशमेंट 1909 हो। और हमारा इंडिया का मनु साहनी है, उनका CEO है फिलहाल अभी। नरेंद्र बत्रा, हु इज नरेंद्र बत्रा? नरेंद्र बत्रा है IHF, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड। ओके,
अभी वी हैव टू नो ऑल अबाउट आईओसी। आईओसी क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी है। इनका अभी बाग को हम रीइलेक्ट कर दिए। और अभी सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ओलंपिक्स क्या होता है, कब शुरू हुआ था। वो हुआ था 1896 एथेंस ग्रीस में। ओके, वो और सबसे मेन चीज़ है वुमेन्स कब से उनमें एंगेज हुए, वो हो पार्टिसिपेट किए। 1900 में वुमेन्स एंट्री हुए थे उसमें। कंट्री कौन सा था? ग्रीस, एथेंस में थे। और इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है फास्टर हायर एंड स्ट्रॉन्गर। गैज यू ऑल नो दैट आई थिंक द मेन थिंग इज टू पार्टिसिपेट इन एनी गेम और खास करके ओलंपिक्स में। वो चीज़ पार्टिसिपेट करना सबसे बड़ा चीज़, ठीक है। ये नहीं कि मैं गया जीत गया, वो सबसे बड़ा चीज़ नहीं। मेन चीज़ है वी हैव टू पार्टिसिपेट इन एनी इवेंट, इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन विन दैट इवेंट। बिकॉज हर बंदे से तो विन नहीं सकता। हम अगर इंडिया से दो बंदे सिलेक्ट हुए वो दोनों हार सकते, वो बात नहीं। लेकिन जो इधर से सिलेक्ट होके गए ना, ये सबसे बड़ा चीज़ होता है। ओके, ये मोटो हो गया फास्टर हायर एंड स्ट्रॉन्गर। कितने दिन के बाद होता है? इन ईच 4 ईयर इट विल कंडक्ट। ओलंपिक्स का 5 कलर होते हैं, ठीक है। ब्लू कलर हो गया यूरोप, ठीक है। ब्लैक हो गया अफ्रीका। ये जो 5 कलर ना, 5 कंटिनेंट को रिफर करता है ये। रेड हो गया क्या? ओशनिया। ये हो गया हमारा येलो, हमारा है ये एशिया। और ग्रीन हो गया अमेरिका। ओके, दीज आर द 5 कंटिनेंट्स एंड 5 कलर्स। ओके, अभी हो गया जो हमारा ओलंपिक्स होते हैं, इसमें 5 कलर है और 5 कंट्री को वो अभी। लेकिन अभी ये होना चाहिए कि अभी नेक्स्ट किस में हो रहा है ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में ही होता है 2 टाइप्स का, एक हो गया स्विंग समर एंड अनदर वन इज विंटर। समर वाला क्या है, ये 2020 में होने वाला था, जो कि ड्यू टू पैंडमिक कोरोना वायरस इट इज डिलेड। ये कहाँ होगा? ये होगा टोक्यो में, इज इन टोक्यो जापान। एंड 24 में जो होगा, ये होगा 24 में हो गया पेरिस फ्रांस। एंड ये होगा विंटर वाला, अभी जो होगा हमारा कब, 2022 में होगा। 2022 में कहाँ होगा? चाइना में, नेक्स्ट ओलंपिक्स विंटर ओलंपिक। अभी जो होगा हमारा कौन सा होगा, 2020 वाला होगा, टोक्यो में होगा, ठीक है। और 26 में होगा फिर कौन सा, विंटर वाला होगा। विंटर वाला कब, कहाँ होगा? इटली। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हिच कंपनी हैज़ लॉन्च द मोस्ट द वोमेन विल वेब प्लेटफॉर्म। आई थिंक इट्स ए ओल्ड क्वेश्चन बट आई थिंक इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, सो आई पुट दिस। गूगल। गूगल लॉन्च वोमेन विल वेब। व्हाट इज वोमेन विल वेब? वोमेन विल वेब ये है कि गूगल ने वोमेन विल लॉन्च किया उसी लिए कि वोमेन विल, ये है 49 देश के कंट्री जो है ये एट्रिब्यूटेड है, मतलब दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये एक प्रोग्राम बना रहा है वोमेन विल के नाम पे 49 देश में, ठीक है, जो कि डिजिटल स्किल बिल्डिंग करेगा वुमेन्स के लिए। सबसे मेन चीज़ है डिजिटल स्किल बिल्डिंग। एंड आने द्वारा सबसे मेन चीज़ क्या है, फाइनेंशियल सपोर्टिंग। फाइनेंशियल सपोर्टिंग भी करेगा वुमेन्स को, तो ये सबसे मेन चीज़ है वुमेन विल ये उसमें। तो इन लोग फिर इसमें कैसे पैसा कमा सकते हैं फाइनेंशियल? दे विल मेक न्यू प्रोग्राम, सॉरी जो जो हमारा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं गूगल्स के लिए, जो भी गूगल्स के लिए हेल्प कर सकते हैं या नेटवर्किंग बना सकते हैं उसमें, तो ये क्या करेगा, गूगल उनको पैसा भी प्रोवाइड करेगा। तो ये डिजिटल स्किल बिल्डिंग भी करेगा और इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेगा। तो अभी जानते हैं गूगल के बारे में। गूगल, गूगल का CEO कौन है? सुंदर पिचाई, ही इज एन इंडियन ओरिजिन। एंड 4 सितंबर 1998 इसके इस्टेब्लिशमेंट ईयर है। हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में, USA। ओके, USA कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। द नेक्स्ट वन इज काला अजर डिजीज आउटब्रेक इन व्हिच स्टेट। गायज मैं पहले ये बता देता हूँ, काला अजर नेम ऑफ एन डिजीज, नेम ऑफ ए डिजीज जो कि अभी बहुत खतरनाक चल रहा है। ये अभी नहीं चल रहा है, फ्रॉम 2010 मतलब 2010 से ये शुरू हो चुका है। बट इन ईच एंड एवरीवेयर इट कैन बी कंट्रोल बाई देयर हेल्थ मिनिस्ट्री, सो बट इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट कंट्रोल बाई देम। तो हर साल ये क्या होता है, जब बारिश का सीजन या मौसम थोड़ा सा चल रहा है, घुमा रहा है, तो ये भी शुरू हो जाता है। तो ये कहाँ शुरू हो गया आउटब्रेक इन व्हिच स्टेट? ये हो गया बिहार में। अभी हमको इसके बारे में मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा,
कालाजार डिजीज है, ये कहाँ हो गया, आउटब्रेक हो गया, कौन से स्टेट में, ये हो गया बिहार में। तो अभी बिहार का जो हमारा हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने 2010 को ही बोले थे कि हमको 1 साल 2 साल दे दो और हम इसका वैक्सीन निकाल देंगे, ये कर देंगे, और इसका मतलब कोई भी ऐसी प्रिवेंशन करेंगे ताकि वो नेक्स्ट टाइम शुरू ना होगा, लेकिन वो कर नहीं पाया। तो उसके बाद शुरू हुआ फिर 2012 में, फिर वो फिर ऐसे ही बोले थे नहीं हो पाया। फिर हुआ 2015 में, उसमें सिर्फ 18,000 पीपुल्स आर अफेक्टेड बाई दिस कालाजार। मोस्टली आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मोर्टेलिटी रेट 90% एबोव है। द मोर्टेलिटी रेट ऑफ कालाजार इज एबोव 90% है, बट द गवर्नमेंट मस्ट टेकन, मतलब जो कि हमारा प्रिवेंटिव करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए दे शुड बी टेकन इम्पोर्टेंट स्टेप्स, बट इट इज़ नॉट सीन इन बिहार। तो जो चीज़ की लेग हो रहा है उधर, और सबसे मेन चीज़ है कि बिहार को हम तो सबको पता है कि बिहार उड़ीसा उस तरफ जो भी मतलब वो स्टेट्स है जो बाढ़ की वो, और दूसरा चीज़ है एम्प्लॉयमेंट की वजह से उन लोग बहुत पुअर में आते हैं। तो वो पुअर में जब आते हैं ना, तो मैक्सिमम बंदे क्या है, दे आर नॉट सैनिटाइज्ड और दे आर नॉट द हाइजीन एंड सैनिटेशन कंडीशन ऑफ द रूरल पीपुल्स आर वेरी लो। तो हम उस चीज़ को कैसे, तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी इनिशिएटिव होना चाहिए, बट इट इज़ नॉट सीन इन बिहार। तो अभी बिहार को देखते हैं क्या है, कालाजार डिजीज है, आउटब्रेक हो चुका है, किलिंग बहुत, मतलब ये एक हमारा वो है, ये ऑलरेडी देखो लिख दिया हमें, व्हाट इज कालाजार डिजीज, स्लो प्रोग्रेसिंग इंडिजिनस, मतलब ये हमारे इंडिया से है, ठीक है, पैरासिटामोल अंडर मॉर्फोलॉजिकल, ये रिक्यूरमेंट प्रेफर, रिक्यूर हो सकते हैं, रिकरेंट मतलब लॉस ऑफ एप्टीट्यूड, इसमें वीकनेस आता है, स्प्लीनेस मतलब हमारा जो लीवर है ना वो फूल जाता है, और एनेमिया जैसे हमारा वो होगा। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, उसका मोर्टल रेट उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत, तो इसमें क्या होता है, 380 विलेज जो है अभी, 380 विलेज इन बिहार अफेक्टेड बाई कालाजार, और 90% एबव मोर्टेलिटी रेट हो गया। अभी 7 दिन के अंदर इधर आ गया 18 केस आ गया, तो आप ये सोचिए कि कितना, और इसका सबसे मेन चीज़ है दोस्त मोर्टेलिटी रेट, और ये कैसे एक्चुअली ये है क्या, तो कालाजार डिजीज ये है, सैंड फ्लाइज नाम के एक मॉस्क्यूटो है, सैंड फ्लाइज, ये काटने से ही होता है। तो दीज आर द टुडेज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, सो मैं एक बार फिर रिवीजन कर देता हूँ दोस्त। द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर फुगाकू इज रेडी फॉर यूज बाई हुइच कंट्री, ये हो गया जापान। रिसेंटली अर्जुन ट्रिब्यूटरी प्रोजेक्ट इज बींग कंस्ट्रक्टेड ऑन हुइच रिवर, ये हो गया धसन रिवर। रिसेंटली हु हैज बीन रीइलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ IOC, थॉमस बाक। हुइच कंपनी इज लॉन्च द वोमेन विल वेब प्लेटफॉर्म, गूगल। कालाजार डिजीज आउटब्रेक इन हुई स्टेट, ये हो गया बिहार, और बिहार के बारे में तो आपको पता है CMA नीतीश कुमार, गवर्नमेंट भगत सिंह चौहान है, और इसका बहुत सारे मैं बताने के लिए भूल गया था, बहुत सारे मतलब जो कि इनिशिएटिव है, इंडिया का फर्स्ट बाढ़ रिंगिंग स्टेशन है नॉर्थ इंडिया का जो है, और ये भी था कि इधर फर्स्ट एम्स पटना में है, सेकेंड नेम साल सो हिंद दरभंगा में था, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMGC लॉन्च इन बिहार, और डॉल्फिन डॉल्फिन जल सफारी वो भी हुआ था खगलगांव बिहार में। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव बाई बिहार एंड ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर बिहार। सो गाइज आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड टूडेज क्वेश्चन एंड द माई एक्सप्लेनेशंस। सो अगर आपको किसी को भी किसी भी तरफ का अगर किसी भी तरह का दिक्कत है, या मेरा लर्निंग स्टाइल में अगर चेंज करने के लिए आपको अगर लग रहा है कि नहीं आई हैव टू चेंज माई लर्निंग स्टाइल, तो प्लीज़ कमेंट भी इन माई कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो आपको कोई भी चीज़ की नया वीडियो चाहिए तो आपने उस चीज़ के ऊपर कमेंट करना है, या कोई जनरल स्टडीज़ के ऊपर, सो प्लीज़। और आपको मेरे वीडियो में कोई भी टाइप्स की लैकिंग है, मे बी साउंड और ऑल्सो एक्सप्लेनेशन, या मेरे साउंड की साउंड सिस्टम की, तो यू हैव टू कमेंट मी प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, ओके, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, सो प्लीज़ सी माई वीडियोज़ एंड नोट इफ यू थिंक दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, देन यू हैव टू नोट दैट, बिकॉज आप अगर नोट करेंगे तो मेरे लिए नहीं, आपके लिए अच्छा होगा। और नेक्स्ट सीन लाइक कीजिए, क्योंकि मैं इसके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, और उसके लिए मैं कम टाइम मिलता है, उसके लिए 5 क्वेश्चन ही करता हूँ। ओके गाइज,
एंड शेयर करना अपने स्टडी फ्रेंड्स को एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज़। ओके, एंड आपका स्टडी कंटिन्यू रखना है बिकॉज एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्ट इन लाइफ। तो विथआउट एजुकेशन द होल वर्ल्ड इज विल डार्कनेस फॉर अस। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।